सीजी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कार्य मंगलवार से शुरू हो गया। मूल्यांकन को लेकर शिक्षा कर्मी बटे नजर आए। एक गुट ने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया तो कुछ शिक्षा कर्मियों ने मूल्यांकन करने परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। प्रदेश में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जेएन पांडे स्कूल में लगभग 200 से अधिक नियमित और शिक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल में भी शिक्षकों ने मूल्यांकन का बहिष्कार किया। तो इधर चेतावनी भी दी गई है कि कल से शिक्षा कर्मी काली पट्टी लगाकर मूल्यांकन का विरोध दर्ज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको चर्चा के लिए बुलाया था, हमने स्वागत करते हुए चर्चा के लिए हम वहाँ गए, लेकिन किसी कारणवश जो है बैठक टल गई है आने वाले समय के लिए। और प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि यदि प्रदेश के शिक्षा कर्मियों की मांग 2 अप्रैल तक पूरी नहीं होती तो 3 अप्रैल को समस्त 29 मूल्यांकन केंद्र में हम मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमने बहिष्कार आज पूरे प्रदेश में सभी जगह सफल रहा। रायपुर राजधानी में जेएन पांडे और दानी स्कूल में पूरी तरीके से, बल्कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है, व्याख्याता है, प्राचार्य, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। इस और हम सरकार को चाहिए कि इस प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को सविलियन की सौगात दे और इस प्रदेश के शिक्षा कर्मियों में जिस एकजुटता से आज यह आंदोलन को सफल किया है उसके लिए समस्त शिक्षा कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। और अपने जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर है, व्याख्याता संघ के जो हमारे आदरणीय अग्रज है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, सरकारी मुहर लगेगी आपकी सम्मेलन की मांग पर या आश्वासन का पिटारा ही इस बार मिलेगा? देखिए, आश्वासन तो प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को पिछले कई वर्षों से मिल रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने ठान लिया है जब तक प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन नहीं होगा विरोध के तरीके जो है अलग अलग तरीके से जारी रहेंगे। और आज हमने यह दिखा दिया है कि पूरे प्रदेश में मूल्यांकन कार्य का हमने बहिष्कार कर दिया, कल से काली पट्टी लगाकर मूल्यांकन करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.